तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। गेमिंग न्यूज 15 के हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं BMPS के बारे में। तो गाइस, जो टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, BMPS का वीक 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो गाइस, ये चीज के बाद स्काउट ने रिप्लाई किया आज के मैचेस के रिलेटेड, एंड साथ में गाइस स्काउट ने अपने POV भी दिखाया कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। एंड देन नेक्स्ट स्काउट ने बात की टीम गोल्ड लाइक के रिलेटेड। आप देखिए यार, चुप हो गया रे, एक में चिकन थ्रो हो गया, एक में साला थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, मैं लेट हो गया, पता है। बहुत अच्छा हमारा मोमेंटम था। एनीवेज बस रीलोड हो गया भाई, सामने जाके पहले गोली नहीं चली। पेड़ का कवर ले, पेड़ का कवर लो। अबे राइट साइड पे जाना पड़ेगा, रिलोड कर रहा है, पुश कर रहा, पुश कर रहा, पुश कर रहा। थोड़ा ही कवर पड़े, अंदर पड़े, नहीं नहीं नहीं, कवर दे, कवर दे। ये यार, इस पॉइंट में रीलोड नहीं होता ना, वेंचर दिमाग में। नहीं नहीं नहीं, कवर दे, कवर दे। अभी है ना, यहां मैं इसको मारने वाला था, इस पॉइंट में कुछ करने के लिए बचा नहीं मेरा डीपीएस, रीलोड हुआ इधर। अटो अटो हील कर, 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 कुछ नहीं, कोई नकल कवर अप करेंगे हम लोग। अल्ट्रा कस्टम्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हां ना मन, गॉडल बहुत अच्छा, वो सैंडविच वाला पोजीशन बहुत अच्छा होल्ड किया, टू बी ऑनेस्ट। सैंडविच पोजीशन गॉडल ने बहुत अच्छा संभाला, तो वहां तो मर जाना था, लोगों ने बहुत बहुत प्यारा संभाला। और गाइस, BMPS के रिलेटेड बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से। तो गाइस, ग्लोबल ई स्पोर्ट के मेंबर्स ने रिप्लाई किया कि BMPS में उनके अकॉर्डिंग कौन MVP बन सकता है। तो गाइस, पहले ये चीज के रिलेटेड उनके हम रिप्लाईज देखते हैं, फिर इसके बाद इसके रिलेटेड बात करेंगे। MVP ऑफ BMPS कौन होगा आपके हिसाब से? मैं कहूंगा इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स जस्ट अ गेस। आई थिंक ब्लाइंड मानिया कैन बी दैट। रेडी GE बीस्ट रोशि, आई थिंक निंजा बॉय ऑफ बीस्ट जी का नहीं, अगर बोलूं तो आई रियली वांटेड टू बी जॉनी Jonathan? Just, yeah, Jonathan. A lot of people. I wanted to be Jonathan for the simple reason, I want him to show everyone that he still has it in him. I don't know how the team is going to perform, but as an individual player, I still think he has it in him. You know, I want Johnny to do it for a different reason. देखो, जॉनी की एक लेगेसी है, लोग मानते नहीं है। मेरे ख्याल से रिटायर होने के बाद लोग मानते हैं यार ये क्या प्लेयर था। अभी वो रिटायर नहीं हुआ है, बट आज तक उसने ऑफिशियल MVP नहीं जीता। अगर वो भी एक चीज आ गई ना उसके पास, आई मीन ही इज द बेस्ट प्लेयर, वी ऑल नो दैट। उसके साथ पहले किसी और को कंपेयर किया, फिर अगले साथ किसी और को किया, हर बार उसी के साथ किसी को ना किसी को कंपेयर होता था। अभी भी जॉनी एक टॉप क्लास प्लेयर है, अगर वो MVP बन गया, आई मीन वो सबको गलत प्रूव कर देगा, जो भी डॉक्टर्स है थोड़े बहुत जो है। कि प्रीवियस रोस्टर में हमने देखा, दो साल में क्या किया रोस्टर ने, ऑल द टूर्नामेंट्स दैट दे कंपीटेड इन, ऑल द विक्ट्रीज दैट दे कुड पुट टुगेदर, बट द वन थिंग दैट डिड स्टैंड आउट वाज जॉनीज गेम प्ले, एंड आई थिंक दैट स्टूड आउट मोर देन द एंटायर टीम पुट टुगेदर। सो फॉर जॉनी टू विन MVP इन दिस, ओनली बिकॉज यू सेड जीई का छोड़ के, फॉर जॉनी टू विन MVP इन दिस, आई थिंक इट वुड बी रियली गुड फॉर हिज लेगेसी। एज वीरो सेड, इट वुड फाइनली बी दैट फेदर इन हिज हैट, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो पूरी कंट्री मानती है, बट बस उसको वो ऑफिशियली मिला नहीं। बहुत लंबा गॉब्लिन जैसे बात करते हैं सोल, क्योंकि वो लास्ट सीजन का MVP था, एंड किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया कि वो बैक टू बैक MVP बनना हो। अगर गॉब्लिन डिसेंट खेल के टॉप 2 या टॉप 3 में भी आ जाता MVP नहीं भी बनता, तब भी आई विल बी रियली हैप्पी, बिकॉज एक प्लेयर को एज अ कास्टर हमने ग्रो होते हुए देखा, उसको स्टार बनाया उसके गेम प्ले ने, एंड अब एक डाउनफॉल में ना वो खुद पे डाउट आने लग जाता है कभी ना कभी प्लेयर्स को, यार मैंने कर तो बहुत लिया बट अब हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ। आई वॉन्ट के वो डाउट अच्छा हट जाए और गॉब्लिन भी अच्छा खेले। कि एक MVP अगर मैं जी से भी पिक करूं, आई थिंक मवी कुड बी द MVP फॉर मी, बिकॉज आई थिंक मवी एज एन आइजल बहुत मारता है। आई थिंक S Power is back with his own team. Yeah, yeah. Like, S Power has the potential. I believe there is a change in Blind as well. There is Bola. अगर देखा जाए Justin है, Delta PG है. Exactly. Crazy. I mean, there's a good chance जो players की बात हम कर रहे हैं वो top 16 में हो ही नहीं लाइन पे. But overall, ये हमारा picks था। तो यार गाइस, ये तो मानना था ग्लोबल ई स्पोर्ट के मेंबर्स का, अब आपका क्या मानना है गाइस, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 MVP प्लेयर्स कौन रहने वाले हैं BMPS में। लेट्स सी किसका आंसर सबसे एक्यूरेट होता है। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड, जो की निकल कर आती है स्पीरो की तरफ से। तो गाइस, जैसे कि हमने ग्लोबल ई स्पोर्ट के मेंबर्स का रिएक्शन देखा, तो वो सेम वीडियो में जो की कल हमको ग्लोबल ई स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिली थी, वहां पर स्पीरो ने रिएक्ट किया टीम सोल के रिलेटेड कि क्या पिछले साल के बाद वो वापस से ये बार BMPS जीत पाएंगे। आप देखिए, इस सवाल का अगर सीधा आंसर दूं तो यस दे कैन, बट किसी भी सवाल का इतना सीधा आंसर होता नहीं है। कर तो वो सकते हैं, बट उसके लिए उनको काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हेक्टर नहीं है उनकी टीम में इस बार, उसके एग्जाम्स हैं, सो उनकी लाइनअप में भी एक चेंज है नियो के साथ। एक तरह से देखा जाए इट्स अ बेनिफिट टू देम कि चार प्लेयर्स के साथ अब उनका माइंडसेट बिल्कुल सिंपल रहेगा कि कोई शफल नहीं करना, इन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं के साथ वो प्लानिंग बनानी है। आई थिंक अगर वो चीज वो अच्छी तरह कर पाए और बाकी टीम्स को वो संभाल पाए, तो आई थिंक दे कैन। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGMI के नए अपडेट के रिलेटेड। तो गाइस, फाइनली ऑफिशियली हमको BGMI की तरफ से इसके रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिला, वो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। आर यू रेडी फॉर द मेक अपडेट 2.9 अपडेट पॉडकास्ट ड्रॉपिंग सून। तो यार गाइस, 2.9 अपडेट हमको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट है टीम हाइड्रा के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है डायनेमो गेमिंग की तरफ से। तो गाइस, डायनेमो की एक रीसेंट लाइव स्ट्रीम में किसी ने उनको ये लिखा कि भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम जब टीम हाइड्रा की फाइट हो रही थी तो उनको नहीं दिखाया गया था। इस पर डायनेमो ने ये कहा, हाइड्रा राइटिंग टिल करे तो भी एक बार भी फाइट नहीं दिखाई, POV नहीं दिखाया दोस्तों। अरे कोई बात नहीं अरविंद भाई, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, दिखाए ना दिखाए, दिखाए क्या क्या फर्क पड़ता है।
दुनिया को दिख रहा है ड्रैगन कितना ऊपर उड़ रहा है, क्या चाहिए और बताओ, और बताओ क्या चाहिए। कास्टर्स भी कहते हैं कि चार्ट में सिर्फ वही दिखता है, और क्या चाहिए बताओ। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गुड लाइक लोज की तरफ से। पीसी में क्यों नहीं खेलते नीरज भाई यार, पीसी फ्यूचर कुछ नहीं है ना उसका, पीसी में खेल के मोबाइल पे भी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस स्काउट की न्यू टीम के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो में बता दिया था, एंड आज ये चीज पर गाइस खुद स्काउट ने भी रिएक्ट किया, आप देखिए। इस टीम में बहुत अच्छा पोटेंशियल, टीम मेरे लिए परफेक्ट है, मैं भी बोलूंगा ये टीम कैसा भी रिजल्ट आएगा स्टिक टू दिस टीम, दिस इज वेरी गुड टीम, सिंपल एज दैट। और गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। इसमें उन्होंने लिखा कि ड्राइवर भैया ने 2 महीने पहले एक 30,000 का फोन लिया था जो कि ऑलमोस्ट उनकी सैलरी का डबल अमाउंट है, एंड वो टाइम पर उन्होंने कुछ पेमेंट देती थी एंड बाकी बची हुई थी, एंड 3 दिन पहले वो गोल्डी भाई के डॉग को घुमाने गए जिसके चक्कर में उनका फोन खो गया, एंड जो टाइम पर वो वापस आए काफी सैड लग रहे थे, एंड फिर ये चीज के बाद गोल्डी भाई ने उनको एक गिफ्ट दिया जो कि था एक नया फोन। बट स्टिल गाइस ये चीज के बाद भी ड्राइवर भैया काफी सैड थे, और उन्होंने FIR सब कुछ करा दी थी बट कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर रही थी, बट ड्राइवर भैया गॉड में काफी बिलीव करते हैं, एंड आज मॉर्निंग में ही प्रे टू गॉड विद ऑल हिज हार्ट इवन आफ्टर 4 days एंड नो होप। एंड ऑलरेडी गाइस पिछले 4 दिन से सब लोग उनके खोए हुए फोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं लग रहा था, बट फाइनली गाइस आज सुबह किसी ने फोन उठा लिया, एंड फोन पर उन्होंने बताया कि एक 12 साल का बच्चा आपके फोन को बेचने की कोशिश कर रहा था हमारी शॉप पर, एंड फाइनली वो शॉपकीपर बूट कैंप पर आए और उनको उनका डिवाइस वापस कर दिया, एंड फिर एंड में गोल्डी भाई ने इसमें ये लिखा, वांटेड टू शेयर दिस टू यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप बिलीविंग and keep shining, humanity exists and so does faith in God. So yeah guys, मेरे को भी एक काफी interesting story लगी तो सोचा आपके साथ भी share करता हूँ। Anyways guys, next एक update निकल कर आती है PMGC के related. So guys, PMGC के grand finals में जो भी team हमको खेलते हुए दिखेंगी वो आप अभी screen पर देख सकते हो, एंड फिर ये चीज पर react करते हुए आयोगी गेमिंग ने भी ये लिखा, ऑलमोस्ट सभी स्टार टीम्स PMGC की रेस से बाहर हो गए हैं, तो लेट्स सी गाइस ये साल का PMGC कौन सी टीम जीतने वाली है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है मवी के रिलेटेड जो भी निकल कर आती है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। तो गाइस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जेडी ने रिएक्ट किया मवी के रिलेटेड, आप देखिए। बोलो मवी भाई, मैं बोलूंगा एक्सेप्शनली ग्रेट टैलेंटेड प्लेयर बट एक्सट्रीमली लेजी है। मवी बाजी को थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत पड़ती है, वो मैं सीख गया कैसे करना, हाउ टू कीप हिम मोटिवेटेड। यू कीप हिम मोटिवेटेड इज गोना विन, राइट? आई ट्रस्ट हिम टू विन कंप्लीटली। एक चीज जो विली ने बताया कि उसको ऐसी टीम मिल जाए जो उसकी बात सुने समझे, वो निकाल लेगा एज इज ग्रोइंग ओल्डर इज मैच्योरिंग ऑल्सो, तो वो समझ रहे हैं कि टीम के साथ टीम को जोड़े कैसे रखना चाहिए, एंड ही डूइंग वंडरफुली विद द करंट टीम ऑल्सो। कि यू नो आई रियलाइज वन थिंग विद मवी इज दैट ही इज द चैंपियन ऑफ द गेम, ही नोज द गेम इन एंड आउट। चाहे एम में उसको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, अगर बीजे भाई का कोई एम लैब्स होता तो मैं मवी को 5 घंटे कराता दिन के, बट अपने अराउंड वो 3 प्लेयर खिलाता है ना, आई डोंट थिंक इंडिया में कोई और आईपीएल कर सकता। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।